कोरोना 1 लाख पार, कई राज्य बेहाल। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और यही कारण है कि अगर पिछले रिकॉर्ड की हम बात करें उसको तोड़ते हुए संक्रमण की जो रफ्तार है या जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 1 लाख पार कर चुकी है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। रविवार को भारत में कोरोना वायरस के 1,03,794 नए मामले सामने आए हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे अधिक मामले सामने आए थे, तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और 222 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना की ये रफ्तार निश्चित तौर पर डरावनी है, चुनौती है, चिंता है। तमाम तरह के उपाय सरकार कर रही है, तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, कई जगह लॉकडाउन किया गया है, हफ्ते में एक दिन, कहीं दो दिन। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। 3,178 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटों में और मध्य प्रदेश भी पूरे देश में 8वां राज्य बन गया है जहां पर संक्रमण की जो रफ्तार है सबसे तेज है और यही चिंता का विषय बना हुआ है। एक एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 21,000 पार कर चुके हैं। एक महीने में 7 गुना केस बढ़े हैं। भोपाल में 547 और इंदौर में 788 नए मरीज मिले हैं। लगातार उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम, यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर जो संख्या 0 हो गई थी वहाँ पर भी तेजी के साथ जो संक्रमण है वो बढ़ा है और यही कारण है कि ये चिंता का विषय है। हॉस्पिटल्स की हम बात करें, खास तौर पर इंदौर और भोपाल में हॉस्पिटल्स फुल हैं और यही कारण है कि सरकार अब नए सिरे से इसका प्रबंध कर रही है। ये तमाम जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, कोरोना ने जो स्पीड पकड़ी है उसके बाद इन हालातों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी तेज़ी है, कहीं ना कहीं यही डराने वाली बात है। और आखिर ये आंकड़ा कब जाकर थमेगा कि जब ये लगे कि नहीं, जो कोरोना पॉजिटिव है वो कंट्रोल में हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना अनकंट्रोल है। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। 3178 नए मरीज मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है और कई हालात ऐसे हैं। अगर हम भोपाल की हम बात कर लें तो भोपाल में भी एक शमशान ऐसा है जहाँ पर जगह नहीं है। देखा गया है कि कैसे वेटिंग, शवों की वेटिंग है और ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बताती है। छत्तीसगढ़ भी लगातार संक्रमित हो रहा है और तेजी के साथ जो कोरोना का वायरस है वो वहाँ पर भी फैल रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी जुड़ रहे हैं। स्वागत करता हूँ अभिजीत जी आपका। अभिजीत जी, आवाज़ पहुँच रही है? सर, आवाज़ पहुँच रही है हमारी? मुझे लगता है कि डॉक्टर अभिजीत देशमुख के पास हमारी जो कट रही आवाज बिल्कुल क्लियर, जैसे ही आवाज क्लियर होती है अभिजीत जी मैं आपके पास में आऊंगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, स्वागत करता हूं डॉक्टर अभिजीत देशमुख आपका। नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर अभिजीत जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और जो भयावहता लगातार दिख रही है अब कोरोना की, और ये पहला मौका है कि जो संख्या है 1 लाख के पार पहुंच गई है, तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आखिर जो स्पीड पकड़ी है कोरोना ने, आखिर उसकी वजह क्या है,
क्या वही कोरोना वायरस, कई बार भी मैंने चर्चा आपसे की, वही संक्रमण है या कोई नया संक्रमण ऐसा आया है म्यूटेट होके कि वो तेजी के साथ वो पड़ रहा है और यही कारण इसकी जो भयावहता, जो स्पीड है, जो तेजी है, देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अभी जिस तरह से कोरोना पूरा प्रदेश और देश में फैल रहा है जी, वो चिंताजनक है। और इसके जिस तरह से जिस तेजी से फैल रहा है उसके कई कारण हैं, और सबसे पहला कारण तो ये है कि जो जिस ये नया स्ट्रेन है वायरस का जी, ये इसकी इन्फेक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा भी अगर वायरस अंदर चला जाता है तो तुरंत वो इन्फेक्ट कर देता है जी, और फिर जो आसपास के लोगों को भी तुरंत इन्फेक्ट कर देता है जी। तो ये जो इसका नेचर है इस वायरस का जी, इसके कारण ये तेजी से फैल रहा है जी। और आप देखेंगे कि इस वक्त परिवार के परिवार पूरे अफेक्ट हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं कोरोना वायरस से जी। तो एक तो ये नेचर है कोरोना का जी। दूसरा ये कि कुछ हमारे हम लोगों की भी कुछ ऐसी गलती रही है कि हम जो बचाव के जो जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम भूल गए, मास्क नहीं पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, तो उसके कारण भी ये एकदम तेजी से फैला है जी। तो ये मुख्य कारण है इसका फैलने का जी। डॉक्टर अभिजीत, मेरा सवाल ये है कि मैं कई बार, पिछली बार भी जब मेरी आपसे बात हुई थी, किस तरह के लक्षण, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो लक्षण थे अब कुछ लक्षण दूसरे तरीके आ रहे हैं, कैसे लक्षण, कैसे लोगों को ये लगे कि इस तरह के लक्षण हैं तो उसको जांच कराना चाहिए, उसको लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो गए, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको लेकर लोगों को लगे कि अगर शरीर के अंदर इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसको तत्काल जाँच कराना चाहिए? बिल्कुल, पहले जो जब जो वेव आई थी, पहला जब बीमारी का जो वेव था उसमें सबसे पहले खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, ये मुख्य लक्षण हुआ करते थे। पर अभी के जो इन्फेक्शन है उसमें हमने देखा है कि लोगों को पेट में मरोड़ उठना, उनको जो है लूज मोशंस होना, उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द, खांसी बहुत कम लोगों को देखा गया है और बुखार भी कुछ लोगों को आता है। तो मुख्य जो है पेट में दर्द और अगर लूज मोशन होते हैं, दस्त लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, हो सकता है कि ये अभी जो कोरोना के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है जी। तो हम इसको ध्यान देना जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ अगर जिस तरह से अगर हम प्रिकॉशंस की हम बात करें, जिस तरह से पहले कहा जाता था कि आप गरारा करते रहिए हल्के कुनकुने पानी से, या फिर आप गर्म पानी भी पी सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, तो किस तरह से लोग एहतियात ऐसे मौके पर रख सकते हैं, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, बाहर खरीदारी के लिए जाते हैं, तमाम कामों के लिए जाते हैं, ऐसे में कैसे घर में जब वो पहुंचे तो किस तरह की उनकी एक्सरसाइज होना चाहिए सुबह से रात तक की, या किस तरह के एहतियात होना चाहिए? बिल्कुल, जो शुरुआत से हम बताते आ रहे हैं कि जो बचाव के जितने भी उपाय हैं जी, कि मास्क पहनना सबसे जरूरी, मास्क पहनना है जी, हाथ को साफ रखना है, बार बार उसको धोना है जी, सोशल डिस्टेंसिंग जी, और पौष्टिक भोजन, ये सबसे मुख्य जो बचाव के स्टेप्स हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ हो पहले जी, या उसको वैक्सीन लगा, किसी को वैक्सीन लगने के बाद भी आपको ये एहतियात बरतना है जी। दूसरी बात, हम जब घर में आते हैं तो घर में आने के बाद हमें अपने कमरे में जाकर सबसे पहले हम कपड़े चेंज करके नहाना बहुत जरूरी है, ताकि बाहर कहीं से वायरस अगर आया भी होगा, कपड़ों पे आया होगा, तो हमारे परिवार को इन्फेक्शन न जाए, ये एहतियात बरतना बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार हम आपसे उपयोगी जानकारी ले रहे हैं, मकसद यही है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इससे अवेयर हों, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी विकराल रूप ले रही है सबकी जिम्मेदारी इसमें बनती है। भोपाल से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। नीरज, क्या कुछ स्थिति भोपाल में है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जिस संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी उस हिसाब से अब व्यवस्था हॉस्पिटल्स में नहीं है। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने शमशान में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं कि डेथ होने के बाद जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है, वहां पर भी जगह कम नजर आ रही है, लोगों को शवों को दफनाने के लिए उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वेट करना पड़ रहा है, क्या कुछ स्थिति है राजधानी भोपाल में? आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट है उनके, उसको लेकर फिलहाल जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है, क्योंकि पहली बात तो देखी जा रही है सरकार का जो है
पिछली बार जब कोरोना फैला था तो सरकार ने कई सारे अस्पतालों से एमओयू कंडक्ट कर लिया था और लोगों को फ्री में इलाज मुहैया हो रहा था। लेकिन इस समय जो अस्पतालों की स्थिति है, काफी ज्यादा जो रकम अस्पतालों में ली जा रही है वो तो प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है। जिस तरह यदि चिरायु की हम बात कर रहे हैं तो चिरायु में जो नॉर्मल पेशेंट है उसका ही 75,000 रुपए लिया जा रहा है, उससे थोड़ा गंभीर पेशेंट है तो उससे 1,25,000, फिर उससे ज्यादा गंभीर पेशेंट है यदि वो वेंटिलेटर पे आया है, ऑक्सीजन पे आया है, तो उसका 18,000 रुपए पर डे के हिसाब से लिया जा रहा है। फिलहाल जेके हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है जिसमें दवाइयों का खर्च आ रहा है, बाकी खर्चा सरकार उठा रही है। और वही यदि बात की जाए शमशान घाटों की, तो शमशान घाटों की स्थिति ये बनी हुई है की जिस तरह से जो सब आ रहे हैं, अभी पिछले दिनों की बात की जाए तो जो शमशान घाट के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि 18 से 20 सब अभी तक जो कोरोना मरीज हैं उनके आ चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लकड़ियों की कमी शमशान घाट में उनके द्वारा बताई जा रही है कि लकड़ियों की कमी है तो खंडवा से लकड़ियां मंगानी पड़ी है और दो कास्ट का उपयोग करना पड़ रहा है। तो सब तरफ अव्यवस्थाओं का आलम है। तो वहीं यदि बात की जाए आंकड़ों की तो सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें और जो शमशान घाट के आंकड़े उनमें खासा अंतर देखने को मिला है। जिस तरह सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो कभी 2 कभी 3 कभी 4 ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की बात की जाए तो वहाँ 18 से 20 मौतें हैं, उनकी जो अंतिम संस्कार है वो कोरोना मरीजों का किया जा चुका है। जी चलिए बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर है, चाहे इलाज की हम बात करें या फिर जिसका निधन हो जाता है उसकी अंतिम संस्कार की हम बात करें। जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि भोपाल में क्या कुछ स्थितियां हैं, इंदौर भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि वहां पर भी लगातार तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर अभिजीत देशमुख वरिष्ठ चिकित्सक लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उपयोगी जानकारी लोगों तक पहुंचे। डॉक्टर अभिजीत, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि जो कुछ हालात राजधानी भोपाल में हैं, पहले जिस तरह से तमाम सेंटर्स थे, कोविड सेंटर्स थे जहां पर लोगों का इलाज होता था, अब सरकार ने बीच में सारे बंद कर दिए और जिस स्पीड से अब कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि अब एक बार फिर ज़रूरत है कि ऐसे कोविड सेंटर को शुरू किया जाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ हम व्यक्ति के ऊपर या जो पॉजिटिव मरीज है उसका परिवार उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, तो क्या लगता है कि अब समय है कि व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाए, हॉस्पिटल्स को एक बार फिर खोला जाए लोगों के लिए और इसको सुझाव को संज्ञान में सरकार ने लिया है जी। क्योंकि प्रदेश की जनता की का स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है जी। तो जो हमने एक सुझाव दिया था, मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है जी, कि एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर खोलने के लिए, तो उस पे अभी उन्होंने संज्ञान में लिया है और जल्द ही मुझे लगता है कि ये ऐसा सेंटर आएगा। और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जी, अभी जितनी संख्या है उससे बढ़कर उनको भी हम आग्रह करेंगे कि वो कोविड पेशेंट्स को लें, कुछ परसेंटेज कोविड पेशेंट्स को लें और उनका ट्रीटमेंट करें। और दूसरा एक और बहुत जो एक संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जो दवाई है इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कीमत पे कैपिंग करके इसकी कीमत बहुत नीचे लाकर ताकि जनता को वो सस्ता पड़े, ट्रीटमेंट सस्ता पड़े। तो इसपे भी काफी सीरियसली इस पे विचार किया जा रहा है। ऐसे ही आरटीपीसीआर जो जांच होती है उसकी भी कीमत पर कैपिंग करके बहुत कम करके उस पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो जल्दी ही इस पे निर्णय लिया जाएगा और ये संज्ञान में है और जनता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत क्या सर ये भी हो सकता है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि जो चार्ज अब लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा हैं, अफोर्डेबल वो नहीं है, क्या सरकार ये भी कह सकती है कि ठीक है जो उस चीज को वहन कर सकता है आप उनसे उन पैसे लेकर ट्रीटमेंट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लिमिट होना चाहिए कि नहीं इतने लिमिट में उनका इलाज हो जाएगा। तो क्या इस दिशा में भी सरकार को सोचना होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके लिए करना कहना होगा? बिल्कुल, इस पे बहुत सीरियसली विचार किया जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन चेस्ट का होता है, उसके बाद जो इंजेक्शन लगता है या जो जांचें होती है उस पे कैपिंग की जाएगी ताकि उससे ज्यादा कीमत कोई भी चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ये एक इमरजेंसी है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। ऐसे में सबको मिलकर, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबको मिलकर जनता के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं इसमें सब मिलकर काम करना चाहिए और उसके लिए हमने कदम बढ़ा दिए।
चलिए डॉक्टर अभिजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम आपसे अपडेट जानकारी लेते रहेंगे। मकसद यही है कि ऐसे समय में जिस जब लोग की कोई लोगों की कोई ना कोई क्वेरी इसको लेकर होती है, और हम भी क्या बेहतर उनको बता सकते हैं, ये हम उन तक पहुंचाएं, जिससे इस महामारी के समय में, इस दिक्कत के समय में लोग जागरूक हो सकें, लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत देशमुख साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि कोरोना की जो स्थिति है डराने वाली है, और हमसे अब डॉक्टर JP पालीवाल वरिष्ठ चिकित्सक हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस जो भयावहता है लगातार कोरोना की बढ़ रही है, कैसे लोग इससे बचें, कैसे लोग इससे संभल कर रह सकें, क्योंकि पहला ये मौका है जब कोरोना ने 1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। डॉक्टर JP पालीवाल साहब, स्वागत करता हूं आपका। जी, धन्यवाद जी। पालीवाल साहब, जिस तरह से निश्चित तौर पर चिंता और बढ़ गई है, चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि इसकी रफ्तार आप देखिए किस तेजी के साथ में कोरोना वायरस फैल रहा है। 1,00,000 से ज्यादा ये पहला मौका है, टॉप पर 97,000 पहुंचा था, अब 1,00,000 पहुंच चुका है। क्या लगता है कि ऐसे में अब किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से और बेहतर करने की आवश्यकता है, चाहे वो आम लोग हों या फिर सिस्टम की हम बात करें, सरकार की बात करें, हम प्रशासन की बात करें? देखिए, मैं इस बारे में तीन चीजें बोलना चाहूंगा। पहले तो हम ये बता दें कि ये वो बीमारी है जिसको चिकित्सा विज्ञान में जितने भी कार्यरत चिकित्सक हैं जी और विशेषज्ञ हैं, उनके लिए नया विषय है, उन्होंने इसको पढ़ा नहीं जी। लेकिन अचानक जो शोध और बाकी जो जांचें आ रही उसके आधार पर और अपने अनुभव को देवता मानकर जी पूरा चिकित्सा जगत इस बीमारी से लड़ने का काम कर रहा है जी। तो पब्लिक को सीधे ये समझना पड़ेगा कि जिस दुष्ट के बारे में, जिस शत्रु के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, वो कब कैसा व्यवहार करेगा, उससे बचना हमारा नैतिक दायित्व तो खुद के लिए और परिवार के लिए, हमारे संसार के लिए और हमारे देश के लिए जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान भी इस वायरस को लेकर बहुत हतप्रभ है कि इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, कब कहां से ये क्या स्वरूप बदल कर किस स्वरूप में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो संभावित बातें हैं उनको उनके आधार पर ऐसा लगता है कि यदि इसी तरह इसके रफ्तार चलती रही तो अप्रैल अंत तक 3 गुना ज्यादा भयावह आंकड़े आने की संभावनाओं से मना नहीं कर सकते। क्या लोगों को डराने के लिए मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, लोगों को सतर्क करने के लिए, सहज रूप से उनको सतर्क करने के लिए और साथ ही उनको जागरूक करने के लिए कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल इस मामले में इस बात का ध्यान रखें कि इस गुप्त शत्रु के बारे में जब हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ से कैसे घात आघात प्रतिघात करेगा, हमें बचना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जहाँ चिकित्सा जगत के मामला है कि चार्जेस को लेकर जो मामले हैं उसमें मैं आपके नॉलेज में एक बात और लाना चाहूंगा कि इसके डिस्पोजल पर और इसके ऑक्सीजन पर अस्पतालों की बहुत बड़े खर्च आ रहे हैं जी। सरकार ऑक्सीजन के रेट को पहले नियंत्रित कर चुकी थी, लेकिन अभी फिर से नए सिरे से ऑक्सीजन की सप्लाई में कहीं कहीं बाधा आएगी और ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई होगी। चिकित्सा विज्ञान में वैसे ही चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की कमी है, ऐसे में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई जी तो चिकित्सक भी, मतलब मैं समझ लें, अवाक रहकर कुछ नहीं कर पाएगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा जी। दूसरी चीज, कोरोना के फैलने के 2 बड़े कारण मैं मानता हूँ, एक तो जाहिल और गंवार लोग और दूसरे नेताओं की जितनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है जी। पश्चिम बंगाल के बारे में मेरा आकलन ये है, हमारा अनुमान ये है कि जुलाई और अगस्त शायद वहां पर कई कई गुना ज्यादा केसेस मिलेंगे। ये चीजें गलत है, शासक को इस पर भी सोचना पड़ेगा कि हम जीत के उन्माद में लोगों का भला और लोगों के स्वास्थ्य के साथ शासन सत्ता में बैठे लोग और जनप्रतिनिधि ही खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर भी रोकथाम होना चाहिए जी। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से हमने देखा कि पहले जिस तरह से केस सामने आते रहे हैं, कई परिवार ऐसे थे कि 8-8, 10-10 लोग परिवार में है लेकिन 1-2 ही पॉजिटिव मरीज निकले, बाकी अगर टेस्ट हुआ तो बाकी को पॉजिटिव नहीं निकले वो। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है कि परिवार के परिवार एक साथ निकल रहे हैं, तो क्या वायरस की जो तीव्रता है वो और भयावहता उसकी है, या जो तीव्रता है और ज्यादा कई गुना बढ़ी है?
मैं इस बारे में दो अपनी टिप्पणियां देना चाहूंगा। एक तो होम क्वारंटाइन की लोग गलत परिभाषा गढ़कर अपने हिसाब से जी। अपने मन मस्तिष्क से अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं जी। तब जाकर वो अस्पताल आते हैं। दूसरी चीज, होम क्वारंटाइन सिर्फ उनका जुमला है, सही मायने में वो होम क्वारंटाइन नहीं होते हैं जी। यदि कोई एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है हाँ। तो अपने परिवार के आग्रह में या आत्मीयता में या भावुकता में कहीं न कहीं वो पूरे परिवार के साथ कुछ न कुछ मूवमेंट जरूर करते हैं। तो एक व्यक्ति संक्रमित होने के बाद जो सारे के सारे परिवार संक्रमित होकर आ रहे हैं, उसका कारण, बहुत बड़ा कारण, गलत होम क्वारंटीन की परिभाषा करना और गलत तरीके से होम क्वारंटीन के बारे में अपने मन मस्तिष्क से लेकर अपने विचारों से लेकर हर चीज अपनी परिभाषा में चलना। इस कारण पहले यह होता था कि यदि कोई एक कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हुआ तो सरकार उसे जबरन घर से उठाकर अस्पताल में डाल देती थी। वो प्रक्रिया बंद होने के बाद और होम क्वारंटीन के गलत अर्थ निकालने के कारण लोग समझते हैं कि मैं होम क्वारंटीन हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। होम क्वारंटीन का मतलब वो घर में रहता है लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ जब तक उसका घुलना मिलना, खाना पीना, मूवमेंट नहीं होगी तब तक पूरा परिवार संक्रमित हो ही नहीं सकता जी। ये एक चीज है जिसके बारे में क्या डॉक्टर साहब तो ये बिल्कुल व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर पॉजिटिव निकलता है तो हॉस्पिटलाइज हो, अस्पताल में जाकर इलाज कराए। यदि व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव आया है जी, तो इस वक्त की परिस्थिति में वो अपने घर की एक माले को खाली कराकर एक माले पर वो अकेला रहे, और एक माले पर यदि एक भी कमरा है तो बाकी सब लोग एक माले पर रहें, चाहे वो 8 लोगों को एक कमरे में बंद होकर रहना पड़े। होम क्वारंटाइन का मतलब ये कि हमारी भौतिक दूरी निश्चित तौर पर खाने के समय पर भी, खाने के सामान के साथ भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होना चाहिए, बहुत सख्ती के साथ होम क्वारंटाइन का पालन हो। दूसरी चीज, यदि होम क्वारंटाइन होते वक्त यदि व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी सेहत में गिरावट है तो उसे अस्पताल जाना ही चाहिए। लोग अस्पताल तब आ रहे हैं जब उन्हें लगता है कि अब मेरी मौत ना हो जाए, मौत के डर से लोग आ रहे हैं, बीमारी के डर से लोग नहीं आ रहे। चलिए आखिर में एक सवाल डॉक्टर पालीवाल साहब कि जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है, लोगों के मन में और जहन में ये भी है कि आखिर ये कब रुकेगा, ये रफ्तार कब रुकेगी, और ये भी कहा जाता है कि पीक को लेकर कि अब फलाने समय तक ये पीक पर रहेगा, तो ऐसा कुछ है इसको लेकर कि कहीं ना कहीं इस पर विराम लगे, इसकी जो लगातार स्पीड है उसमें कमी आए। आपसे जनवरी के मार्च के पहले सप्ताह में इंटरव्यू में के समय में बोला था जी कि जिस तरह की परिस्थितियां आगे निर्मित हो रही, एक महीने बाद भयावह स्थिति की संभावना से इनकार नहीं कर सकते जी सर। मैं आज आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ कि मई का महीना इससे ज्यादा भयावह हो सकता है जी। और जून का महीना और मई का महीना लगातार निश्चित तौर पर कहीं इससे 2 या 3 गुना भयावह हो सकता है यदि लोगों ने सतर्कता और सावधानी नहीं रखी तो। दूसरी चीज, यदि कोरोना की बात करें तो कोरोना अब वो पूरे समय हमारे साथ रहना है। यदि ये नियंत्रण में आ भी गया तो स्वाइन फ्लू या डेंगू की तरह हमारे समाज को ये नहीं छोड़ रहा है, परंतु जब तक पूरी सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती तब तक इसकी मारक क्षमता और घातक क्षमता इसी तरह की रहेगी और सोसाइटी में इसी तरह तबाही मचाता रहेगा यदि लोग सावधान नहीं रहे और लोग बच के नहीं चले तो। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब, काफी अहम बात कह रहे थे और जिस तरह से आगाह कर रहे हैं कि संभल जाइए, सचेत हो जाइए, कोरोना जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है ये निश्चित तौर पर परेशानी में डालने वाला है, अगर समय रहते नहीं चेते तो इसके घातक परिणाम है या जो दुष्परिणाम है इसके वो हमें भोगना पड़ेंगे। और बता रहे हैं जो स्पीड इसकी है, जो रफ्तार है, अभी कई गुना और बढ़ सकती है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि मई जून में जो स्थिति है और भयावह हो सकती है अगर हम नहीं संभले, नहीं चेते, नहीं हम जागरूक हुए, क्योंकि मास्क और जो डिस्टेंसिंग की बात लगातार हो रही है उसका पालन जरूर करना होगा। निश्चित तौर पर ये महामारी जिस तरह से विकराल रूप ले रही है सबको चिंता में डाल चुकी है, परेशानी में डाल चुकी है, और समय रहते इस पर ध्यान देने की अवश्य ज़रूरत है। आप सुरक्षित रहिए, मास्क ज़रूर पहने, डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आप इससे बच सकते हैं। और कहीं भी कुछ भी लक्षण, जिस तरह से डॉक्टर अभिजीत देशमुख से जब हमारी बात हो रही थी उन्होंने बताया आपको लगे किस तरह के लक्षण आप में दिख रहे हैं तो ज़रूर आप टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने में कुछ नहीं जाता, अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा, नहीं निकलते
तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जांच जरूर करिए। सरकार अपने स्तर पर तमाम तरह के प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजधानी भोपाल में निकलेंगे, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब जो रफ्तार है कहीं ना कहीं डरा रही है, कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है, और इस चुनौती को सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।